हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं बेल का यम्मी यम्मी शरबत, जो पेटों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ होती है। उससे ज़्यादा तो जिसको लू मार देती है वो इसमें तो और भी रामबाण चीज़ होती है। हर किसी को गर्मियों में इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए बनाने की विधि को देखते हैं। यहाँ पर हम एक बेल ले लिए हैं, इसे धोकर फ्रेश कर लिए हैं। इसका परत बहुत ही हार्ड होती है, इसे काटने से नहीं कटेगी, इसे टकरा कर फोड़ लेंगे। इसे हम पत्थर से टकरा कर फोड़ लिए हैं, देख सकते हैं पूरा क्रेक हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं दो हिस्सों में बट गया है ये। अब हम एक चम्मच ले लेंगे, इसे अच्छी तरीका से खकोरते हुए सारा गुद्दा इसका बर्तन में रख देंगे। आप देख सकते हैं सारे को चम्मच से निकाल लिए हैं, कितना फ्रेश से खाली कर दिए हैं, सारा गुद्दा इसमें है बर्तन में। अब इसमें डाल देंगे हम एक गिलास पानी। अब हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, इसे अच्छी तरीके से मैस लेंगे। इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, नहीं तो इसका बिच्चा जो टूट जाएगा वो बहुत तीता तीता लगता है। हल्के हाथों से इसे मैस करना है, ये बहुत गाढ़ी है, थोड़ी सा इसमें और पानी डाल देंगे। ये ज़्यादा सख्त रहे तो इसको 10 मिनट फूलने भी छोड़ सकते हैं आप पानी में डुबो कर। सारे गांठ को हम तोड़ दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से हाथों से दाब के बिच्चा और इसका जो वो ये जाली जाली टाइप का होता है वो निकाल देंगे। हाथों के सहायते से सारा हम निकाल लिए हैं, जो बचा हुआ है छोटा छोटा उसे हम छान कर फ्रेश कर लेंगे। छन्नी के सहायते से हम अच्छी तरीके से छान लिए हैं, इसमें बिल्कुल भी बिच्चा नहीं है, सर्व करते समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार चीनी, जिसे शुगर है वो चीनी ना डाले, शुगर फ्री डाले। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काला नमक। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे थोड़ी देर, ताकि चीनी घुल जाए। शर्व करने के लिए तैयार है। अब हम गैस में आइस को धर देंगे। गर्मियों में सबको पीना चाहिए, इसका सही सेवन करना चाहिए, ये बहुत ही पेट के लिए ठंडा होता है। जिसे लू लग जाता है इसमें शहद मिला के आप पिला दीजिए, ये बहुत ही जल्द उसमें काम करती है लू में। आपको हमारी बेल की शरबत की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।